और अब मैं आगे चल पड़ा हूं। आप मेरा घर ले सकते हैं, मेरे सारे पैंतरे खिलौने भी, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकते और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फ्यूचर से रिलेटिव के बारे में, आयरन मैन 4, एवेंजर 4, मार्वल फेज 4 के बारे में। ये मूवियां खास हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर इकलौता सोर्स है एमसीयू के लिए सबसे ज्यादा अर्निंग करने में। उनके हाल ही में 6 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एवेंजर्स मूवी के और आयरन मैन सोलो मूवी के हुए थे, जिसमें कि आयरन मैन 3 में एक छोटा सा बच्चा जो कि इन फ्यूचर आयरन मैन की जगह ले सकता था यानी कि टोनी स्टार्क की, और टोनी स्टार्क एक बहुत ही अच्छा आइकॉनिक कैरेक्टर है एमसीयू के लिए। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि एवेंजर 4 में ये कैरेक्टर मारा जाएगा तो क्या होगा। तो इससे पहले कुछ न्यूज जो कि गुनीत पैथलो ने अभी हाल ही में रिवील्ड करी थी कि हमारे बच्चे होंगे और देन अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी और ये आयरन मैन 4 के लिए एक जरिया निकालती है। उसके बाद एक और न्यूज, पूरा यूनिवर्स रीसेट हो जाएगा नेबुला के दोबारा, जिसके हाथ में इन्फिनिटी गॉडलेन लगेगा और उसके साथ टाइमलाइन चेंज होगी, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2, गार्डियन द गैलेक्सी 3, ब्लैक पैंथर 2, कैप्टन मार्वल 2, स्पाइडरमैन 2 निकलेगी। इंपॉर्टेंट सवाल है आयरन मैन 4 का क्या होगा, क्या हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखेंगे, क्या गुनीत पैथरो के बच्चे देखेंगे, तो क्या पूरी टाइमलाइन अलग होगी, क्या होगा एवेंजर 4 के बाद, क्या आयरन मैन 4 का, काफी सारे सवाल हैं फैंस के। बट अभी हाल ही में न्यूज से ये पता चलता है कि इनविजिबल आयरन मैन कॉमिक नंबर इशू ये टाइमलाइन एमसीयू में इनपुट करी जाएगी, यानी कि इस टाइमलाइन से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिप्लेस करा जा सकता है, जिसमें कि वो लड़की उनकी जगह लेगी और एक टोनी स्टार्क कैरेक्टर का रोल कर सकती है जैसा कि टोनी स्टार्क था। वो लड़की पूरा ब्लैक होगी यानी कि एक फीमेल ब्लैक कास्ट करी जाएगी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह लेगी। तो क्या लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं। मैं चाहता हूं कि आयरन मैन 3 में जो छोटा सा बच्चा दिखाया गया था वही रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जगह ले सकता है मेरे हिसाब से। और जैसा कि अगर एमसीयू रीबर्थ होता है, रीसेट होता है, तो शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर जिंदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, बट टाइमलाइन के चेंजेस के कारण वो बच्चा उनकी जगह ले सकता है। तो आपको लोगों को क्या लगता है कि इस टाइमलाइन में कितना फेरबदल होगा मार्वल फेज 4 में, और इसी से आगे स्टोरी कंटिन्यूस रखेगी जाएगी और 2028 तक इस स्टोरी को आगे खींचेंगे। बट इनविजिबल आयरन मैन हार्ट की जो स्टोरी है वो फ्लॉप गई थी, देन ज्यादा उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला था फैंस के तौर पर, बट उस कमेंट्स में ये भी लिखे थे अगर ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से शुरी होगी, मेरे हिसाब से यानी कि कमेंट्स के हिसाब से जो फैंस ने बोला था। क्या आपको लगता है कि शुरी आयरन मैन का रोल कर सकती है या आयरन मैन का सूट पहन सकती है उस लड़की इनविजिबल आयरन मैन के हिसाब से? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आयरन मैन 3 में जो लड़का दिखाया था उसी को ही आयरन मैन 4 के लिए कास्ट करें और उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी हो, गुनीत पैथरो भी हो और उनके बच्चे भी हो। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देन गाइस आज के लिए बस इतना ही, बट उससे पहले अगर आप डाउनलोड करें यू डिक्शनरी ऐप, ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, आप इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं और देन आप इसे पॉपअप की तरह यूज कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी चीज ट्रांसलेट करना चाहते हो या गूगल डिक्शनरी से, तो आपको सब कुछ ट्रांसलेट में मिल जाएगा। और देन इसका स्कैनिंग वाला फीचर तो काफी कमाल का है, तो आपको इसका डाउनलोडिंग का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ऐप है, एक बार देखिएगा जरूर। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उसको स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।